इंट्रोडक्शन अबाउट आर्गोमीटर. आर्गोमीटर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एर्गोन. इट्स मीनिंग दैट वर्क. एर्गोन का मीनिंग जो है इट इज ए ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से आया क्योंकि आपका सबको पता है कि हमारा जो कैनो स्प्रिंट है, कैनो स्पोर्ट्स है, इट इज ए डच स्पोर्ट्स. ये हमारा डेनमार्क की तरफ से, ग्रीनफील्ड की तरफ से, यूरोप की कंट्री का स्पोर्ट्स वहां से जनरेट हुआ. तो द वर्ड्स ऑफ अर्गोन मीनिंग इज वर्क एंड मीट्रोन मीनिंग इज मेयर. हम अपने वर्क को कैसे मेयर करेंगे, उससे हमारा जो वर्ड जनरेट हुआ अर्गोमीटर. तो अर्गोमीटर क्या है? मैनी ऑफ अस इन लॉकडाउन द कैक एंड कैनो अर्गोमीटर्स आर कमिंग आउट टू कीप फिट एंड बिल्ड फॉर फ्यूचर रेसेस. लॉकडाउन के दौरान या ऑफ सीजन के दौरान. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज म्यूट योर सेल्फ. तो लॉकडाउन के दौरान जब हम सब लोग, हमारा ट्रेनिंग, हमारा सब कुछ रुक गया था. हम कहीं भी किसी भी जगह पे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे. तो हमें उस समय आर्गोमीटर्स का जरूरत पड़ा. सभी ने अपना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए आर्गोमीटर्स के ऊपर अपना वर्कआउट करना शुरू किया. तो मोस्टली यूरोप में क्या है, यूरोप में 4-3 मंथ्स जो है वो स्नो पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाता है. तो वहां के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो मोस्टली क्लोज हो जाते हैं. तो उनके लिए जो वर्कआउट है वो इम्पोर्टेंट है. इसीलिए उन्होंने आर्गोमीटर का जो है वो स्टार्ट किया ट्रेनिंग, और आर्गोमीटर का आयात करके, उसका डिस्कवरी करके. हमारा वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है इंडिया में, या हम बाहर कहीं भी, तो हम आर्गोमीटर ट्रेनिंग के साथ अपना वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हैं. सेशंस ओम एंड आर्गो प्रोवाइड्स पैडलर्स विद ए क्विक एंड इफेक्टिव वे टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिसिटी इनटू देयर ट्रेनिंग. वी हैव टू कीप पुलिंग एंड वर्किंग हार्ड टू गेट द सेम रिजल्ट्स. जो इसके सेशंस रहते हैं आर्गोमीटर्स के, जो सेशंस रहेंगे, ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे, कहता है प्रोवाइड्स पैडलर विद क्विक एंड इफेक्टिव वे. वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव वे में रहते हैं. इम्प्लीमेंट टू स्पेसिफिसिटी, हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग उसके ऊपर कर सकते हैं. अपना वर्कलोड सेट करके, जितना हमारा रेजिस्टेंस है हम अपने तरीके से उसको सेट करके मीटर्स के ऊपर, और अपने वर्कआउट को, अपनी इंटेंसिटी को कंटिन्यू, जो हम सेम पैडलिंग बोट में करते हैं वो हम अपने आर्गोमीटर्स के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो जो हमारे रिजल्ट्स रहेंगे वो लगभग सेम रहेंगे. टू एंजॉय द कैक आर्गोमीटर वी हैव टू एंजॉय हार्ड वर्क. सबसे पहले क्या, अगर हमको आर्गोमीटर का वर्कआउट एंजॉय करना है तो हमको हार्ड वर्क को एंजॉय करना पड़ेगा, तभी हम उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे. क्योंकि पानी में जो स्थिति है वो अलग रहती है, जहां पे हमको सेम रेजिस्टेंस को एक ही बार में लगातार पुल करना है. पानी में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो हम अगर पैडलिंग स्लो डाउन कर देते हैं, अगर हम उसमें स्ट्रेंथ कम लगा रहे हैं, तो हम उसको न्यूट्रल वे में करेंगे, वो पैडलिंग जो है इंटेंसिटी जो है ऊपर नीचे जाएगा. बट आर्गोमीटर के ऊपर, मशीन के ऊपर हमने जो रेजिस्टेंस एक बार फिक्स कर दिया, हमको उसी को कंटिन्यूसली पुल करना पड़ेगा. तो उसमें जो हमारा वर्क है, हार्ड वर्क जो है वो कंटिन्यूटी में ज्यादा रहता है एज पर द कंपैरिजन ऑफ वाटर ट्रेनिंग. फाइंडिंग यूअर मैक्सिमम हार्ट रेट. सबसे पहले क्या है, फाइंडिंग यूअर मैक्सिमम हार्ट रेट. देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग ट्रेनिंग एंड मैनी ऑफ दीज डिपेंड ऑन वट यू हैव एक्सेस टू और वट यू हैव बीन ट्रेन्ड इन. सबसे पहले क्या है, बहुत सारे अलग अलग इसमें डिफरेंट वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम अपनी ट्रेनिंग को मेजर कर सकते हैं. जो डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए, हमने किस लेवल पर ट्रेनिंग करना है, वो हमारे ट्रेनिंग की कैपेसिटी के ऊपर, उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है. हमारा ट्रेनिंग जो है वो किस लेवल का है, वो एडवांस लेवल का है कि वो बिगनर लेवल में है कि वो इंटरमीडिएट लेवल में है. जिस लेवल का खिलाड़ी होगा, जो उसकी डिमांड होगी, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एथलीट,
उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उस पर मेजर करेंगे। हार्ट रेट, स्ट्रोक रेट एंड रेट ऑफ परसीव्ड एग्जर्शन, कि हम जो एग्जर्ट पानी में पैडलिंग करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, जो हमारा परसीविंग रेट है वो आरपीई, और उसका लेवल 1 to 10 बीइंग द मोस्ट कॉमन, ये है 1 to 10 जो उसका लेवल रहेगा वो कॉमन लेवल है 1 से 10 तक। उसके बाद जो है वो लेवल थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो हार्ड होता चला जाएगा तो उसमें हमारी एफर्ट जो है वो ज्यादा लगनी शुरू होती चली जाएंगी। ऑन द कैक आर्गोमीटर देर इज द चॉइस ऑफ 2 presets बीइंग स्पीड और पेस पर 1000 meter। कहता है कैक आर्गोमीटर में क्या है, देर इज द चॉइस ऑफ 2 presets, हम 2 choices में सेट करते हैं हमारा स्पीड और पेस के, पेस से हम उसको 1000 meter को हम उसको मेजर करेंगे। दिस इज सिमिलर टू व्हाट मेनी पैडलर्स यूज ऑन देयर जीपीएस वॉचेस व्हाइल पैडलिंग ऑन द वाटर। अब क्या है, जब हम पानी में ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारे पैडलर्स जो हैं वो जीपीएस वॉचेस पहन के अपना ट्रेनिंग करते हैं, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग को मेजर कर सकें, उनका ट्रेनिंग सेशन जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि जीपीएस वॉचेस जो है वो हमको हमारा स्ट्रोक रेट, हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने हमारे हार्ट रेट क्या चल रहा है, वो सारा हमको वॉच से शो करता रहता है कंटिन्यूसली। सेम जो है वो हम आर्गोमीटर्स के ऊपर हमारे पास जो मॉनिटर है, मीटर लगा हुआ है, उसमें सब कुछ सारी फिगर्स सेट की गई हैं, उसको हम सेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली खिलाड़ी का चार्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका रेजिस्टेंस सेट करेंगे, उसका हम स्ट्रोक रेट वहाँ सेट कर सकते हैं, और हम उसको जब चलाएंगे तो वो हमारा कंटिन्यूसली उसी चीज को दर्शाता रहेगा, हम कितने स्ट्रोक रेट के ऊपर चल रहे हैं, हमारा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, टाइम कितना ले रहे हैं, हमारी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है। नॉट ऑल आर्गोमीटर्स हैव कंप्यूटर्स एज एडवांस, सो ए हार्ट रेट मॉनिटर कैन बी ए गुड वे टू मेजर योर एफर्ट्स। सभी आर्गोमीटर्स के ऊपर कंप्यूटर या मॉनिटर नहीं लगा होता। अगर आप बहुत सारे आर्गोमीटर्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप वहां से आर्गोमीटर परचेज करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग उसमें वैरायटीज मिलेगा, उस पर किसी के ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है, किसी पे नहीं लगा हुआ। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो हमारे एडवांस जो हमारा है क्या, इसमें क्या है, एडवांस में जो मॉनिटर लगा आएगा, जो आप अगर उसका पहले वाला लेते हैं मॉडल आर्गोमीटर का, तो उसमें मॉनिटर नहीं भी हो सकता। तो जो एक अच्छा रास्ता वो क्या है हमारे लिए, हम हार्ट रेट मॉनिटर बेल्ट आता है, हम उसको लगा के अपना हार्ट रेट जो है वो मेजर कर सकते हैं किसी भी आर्गोमीटर के ऊपर। टू यूज दिस यू विल नीड टू फाइंड यूर मैक्सिमम हार्ट रेट बिफोर यू गेट स्टार्टेड, तो इससे यूज करने से पहले हमको अपना मैक्सिमम हार्ट रेट फाइंड आउट करना जरूरी है, तभी हम अपना हार्ट रेट मेजर कर पाएंगे हमने कितने हार्ट रेट के ऊपर काम करना है। अगर हमको हमारे खिलाड़ी का हार्ट रेट पता है कि उसका हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट कितना है, तभी हम उसका प्रोग्राम जो है डिजाइन कर पाएंगे कि हाउ मच वर्किंग हार्ट रेट ऑन द आर्गोमीटर, उसका वर्किंग हार्ट रेट कितना रहना चाहिए आर्गोमीटर के ऊपर। दिस विल बी यूज टू यूज हाउ हार्ड यू आर वर्किंग ड्यूरिंग इंटरवल्स बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट दैट यूर हार्ट रेट मॉनिटर इज रीडिंग। सबसे पहले क्या है, यूज किया जाता है हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हाउ मच हार्ड वर्क वी आर वर्किंग ड्यूरिंग द इंटरवल्स, जो हमारा परसेंटेज निकालेंगे मैक्सिमम हार्ट रेट का, हम कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो वर्कआउट कर रहे हैं। ए सिंपल एस्टिमेट ऑफ यूर मैक्सिमम हार्ट रेट इज द कॉमनली यूज फॉर्मूला, जो हार्ट रेट मैक्सिमम हार्ट रेट फाइंड आउट करने का जो कॉमनली फॉर्मूला है वो सबको पता है कि 220 माइनस यूर एज, कि हम उसमें से खिलाड़ी का जो एज है उसको 220 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा दैट इज द मैक्सिमम हार्ट रेट ऑफ द एथलीट। इट इज द साइंटिफिक बेस्ड फार्मूला जो हमारे स्पोर्ट रिसर्चर्स रहते हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, स्पोर्ट्स रिसर्चर्स जो स्पोर्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया ये फार्मूला 220 माइनस एज, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हार्ट बीट बढ़ेगा तो हार्ट जो है वो फटने का, हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक ये मैक्सिमम हार्ट रेट रखा हुआ है कि मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 220 ऊपर 20 तक जा सकता है, मगर कई जो पर्सन्स हैं उनका हार्ट रेट कई बार थोड़ा ज्यादा भी जाता है, बट इट इज नॉट दैट के
साइंटिफिकली उन्होंने ये प्रूव किया कि 220 तक हम अपने हार्ट को अगर वर्क करेंगे तो हम अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे और हमारा जो एफिशिएंसी है वो डे बाय डे बढ़ता रहेगा. इट इज अ मैक्सिमम हार्ट रेट. तो 220 माइनस और एज व्हाट फिगर हुई आउट, जो भी फिगर आएगा उसको हम अपना मैक्सिमम हार्ट रेट मान के उसके ऊपर जो हम अपना प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, जो भी प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे हम अपना मैक्सिमम हार्ट रेट को निकाल के हमने 70% पे करना है, 80% पे करना है, हमारा कौन सा किस पे हमने वर्कआउट करना है वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. दिस इज बीइंग 100% देन वर्कआउट 70% एटसेट्रा ऑफ दिस टू आइडेंटिटी यूर लेवल. तो उसी तरह से हम अपने लेवल को सेट करेंगे कि हम कितने लेवल के ऊपर अपना वर्कआउट करना चाहते हैं और हमारा कितना वर्कआउट कितनी इंटेंसिटी पे सेट करके अपना वर्कआउट करेंगे. टू टेस्ट एंड आइडेंटिफाई यूर मैक्सिमम हार्ट रेट यू विल नीड टू यूज ए हार्ट रेट मॉनिटर, ट्रेनिंग पार्टनर और नोट द मैक्सिमम हार्ट रेट. अब इसमें टेस्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है कि मेरा हार्ट रेट कितना आ रहा है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, कोई भी खिलाड़ी वर्कआउट कर रहा है, हमारे पास मॉनिटर नहीं है, बिना विदाउट मॉनिटर आर्गोमीटर है, तो उसके ऊपर जब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, या तो हार्ट रेट मॉनिटर बेल्ट होगा हमारे पास उसी से हम करेंगे, या फिर ट्रेनिंग पार्टनर, कोई हमारा ट्रेनिंग पार्टनर है वो हमारा हार्ट रेट जो है वो काउंट करेगा, हमारी पल्स रेट लेके हमारा कार्डियक हार्ट जो पल्स है उसको लेके वो स्टॉपवॉच के साथ काउंट करके हार्ट रेट काउंट करेगा, मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है वो नोट डाउन करता जाएगा कितना हमारा हार्ट रेट जो है वो चल रहा है. बेसिक्स क्या है, बेसिक्स इसमें सिंपल सा फंडा है, इसमें बता रखा है टू कंसल्ट यूर फिजिशियन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इंश्योर यू आर ए फिट एनफ टू अंडरटेक एक्सरसाइज प्रीरियर टू स्टार्टिंग टू ट्रेन ऑन यूर आर्गोमीटर. आर्गोमीटर में जाने से पहले आप अपने फिजिशियन से, अपने हेल्थ केयर जो भी आपका हेल्थ केयर करने वाला है, कोई डॉक्टर या फिजिशियन है, उससे आप इंश्योर कीजिए कि आप उसके लिए फिट हो कि नहीं हो. आर्गोमीटर ट्रेनिंग ऐसा ट्रेनिंग है जो लोड ज्यादा देता है बॉडी के ऊपर. हम पानी में अगर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो पानी में कभी भी हम ट्रेनिंग को स्लो डाउन करते हैं, पैडलिंग स्लो डाउन करने से क्या होता है हमारा ट्रेनिंग जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ड्यू टू ऑन आर्गोमीटर वो जो हमारा एक पार्ट है कि वो उसमें हमने रेजिस्टेंस सेट कर दिया, हमको उसी के ऊपर पुल करना पड़ेगा कंटिन्यूसली. जो हमने अगर हमने 1000 मीटर के लिए सेट कर दिया तो 1000 मीटर हमको सेम रेजिस्टेंस के ऊपर पुल करना है, तो दैट इज ए हार्ड रेदर देन टू वाटर ट्रेनिंग. तो इसीलिए अपने जो फिजिशियन है उससे आप कंसल्ट करके ही इसको शुरू करवा सकते हैं. टू यूज गुड टेक्निक वाइल पैडलिंग यूज रोटेशनल टेक्निक एज वेल एज यूर आर्म्स for a full body core workout. This will maximize the benefit you get from your ergometer. तो ergometer में हम अपनी टेक्निक पैडलिंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स जो है हमारी आर्म्स की मूवमेंट्स है, हमारी कोर का वर्कआउट है वो फुल बॉडी वर्कआउट है वो उसमें अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें हमको बॉडी रोटेट करने का, टोर्सो रोटेट करने का, और पैडलिंग को जब हम पानी में जाते हैं तो पानी में हमारा जो बैलेंस जो है, बैलेंसिंग एबिलिटी हमको ज्यादा देखना पड़ता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. आर्गोमीटर पे हम अपने टेक्निक के ऊपर फोकस कर सकते हैं इजीली कि हम पैडलिंग को एंट्री कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है ब्लेड का, कहाँ से हम एग्जीक्यूट करके पुल ड्राइव करके और एग्जिट कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो पार्ट है हम आर्गोमीटर के ऊपर अपना डेली रूटीन में इम्प्रूव कर सकते हैं. वार्म अप, जनरल वार्म अप 10 to 15 minutes पैडलिंग, जहाँ पे जनरल बता रखा है बेसिक्स के लिए 15 मिनट पैडलिंग ऑन द आर्गोमीटर बिल्डिंग द पेस टू योर यूजुअल ट्रेनिंग एफर्ट्स. पैडल एज हार्ड एज पॉसिबल फॉर मिनट्स चूजिंग ए टाइम ट्रायल पेस वेयर यू कैन लास्ट अ टाइम एट दिस हाई पेस बट नो मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स से ज्यादा नहीं करना है वार्म अप. 10 मिनट्स तक आपने उसको सारा अपना पैडल का जो पेस रेट उसको फास्ट चलाना है, फास्ट चला के स्लो से शुरू करके देन फास्ट तक पहुंच के उसको आप इजीली अपना वार्म अप करके चला सकते हो और अपना बॉडी का फुल वार्म अप कर सकते हो. इंक्रीज द स्ट्रोक रेट इन द फाइनल मिनट पुशिंग एज ए हार्ड पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए मैक्सिमम हार्ट रेट रीडिंग ऑन द मॉनिटर. तो जब लास्ट में 10 मिनट्स आपने वार्म अप करते करते जब आप लास्ट मिनट तक पहुंचते हो तो आपने एकदम से फास्ट उसको मैक्सिमम अपना हार्ट रेट को वहां तक पहुंचाना है. आप कितना मॉनिटर के ऊपर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट शो हो जाएगा, आप कितने मैक्सिमम हार्ट रेट तक जा सकते हो. कीप पैडलिंग ऑन एन इजियर रेजिस्टेंस एंड स्ट्रोक रेट ऑफ 10 to 15 मिनट टू स्लो डाउन टू योर हार्ट रेट अगेन एंड कूल डाउन.
तो जब आप पैडलिंग को स्लो डाउन करते हो, अपने रोक अपने आपको रोकना है, खत्म करना है अपना सेशन को, जब रेजिस्टेंस कम करना है, तो धीरे धीरे हमको स्लो डाउन पैडलिंग करते रहना है। एकदम से हम उसको अपने आर्गोमीटर वर्कआउट को नहीं रोकेंगे, तो धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए, धीरे धीरे स्लो डाउन करते हुए, अपनी हार्ट रेट को डाउन लेके आते हुए, कूल डाउन करते हुए हम उसको आगे नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी करेंगे, मेन वर्कआउट के लिए। आर्गोमीटर सेशंस फॉर ट्राई, इसमें क्या है, आर्गोमीटर सेशंस दिए हुए हैं ट्राई करने के लिए। देर आर मेनी सेशंस वी कैन डू ऑन ए कैक आर्गोमीटर्स, बट फाइंडिंग द सेशंस दैट बेस्ट फिट्स इन विद वी नीड्स एंड गोल्स इज इंप्रूवमेंट। कहते हैं बहुत तरह के सेशंस हैं, हमारे पास समय कम है, तो इसको हम छोटे से छोटे भाग में समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सेशंस हैं कैक आर्गोमीटर्स के लिए, कैनो आर्गोमीटर्स के लिए, जो हमारे लिए हम कर सकते हैं, बट हमारे लिए कौन सा सेशन फिट है, हमको किस चीज की जरूरत है, हमारा गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज ए मोर इम्पोर्टेंट। तो उसको लेके हम चलेंगे, जो हमारा गोल है हम उसके अकॉर्डिंगली सेशंस प्रोग्रेशन करेंगे। तो हम उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने अकॉर्डिंगली जो सेशंस है वो हम सेट करेंगे। ईच ऑफ द सेशंस शुड बी एडजस्ट टू अवर एथलीट्स फिटनेस लेवल। हम सभी जो हमारा सेशन होगा वो कैसा होना चाहिए, हमारे खिलाड़ी की फिटनेस लेवल के जो एडजस्ट कर रहा है उसके मुताबिक, जो उसको सूट कर रहा है उसके मुताबिक ही हम वो सेशन को उसको करवाएंगे। टू मॉडिफाई एनी ऑफ द सेशन वी कैन प्ले विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस, ड्यूरेशन ऑफ ईच एफर्ट्स और इंक्रीजिंग द सेट ऑफ रेपिटेशंस एंड मॉडिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ सूट अवर नीड्स। तो अगर हमको मॉडिफाई करना है सेशंस को, तो वी कैन प्ले द विद द फ्रीक्वेंसी, हम उसका सेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, कम ज्यादा करेंगे, जो जैसा हमको जरूरत है। ड्यूरेशन अगर हमको कम ज्यादा करना है तो वो करेंगे, अगर हमको सेट बढ़ाने हैं उसके, जो हमारे रेपिटेशन के सेट हैं वो बढ़ाने हैं, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ अवर एथलीट, जो हमारे खिलाड़ी का कैपेबिलिटी रहेगा उसके मुताबिक हम उसको सेट करके उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे। द सेशंस विल यूज द परसेंटेज ऑफ MHR मैक्सिमम हार्ट रेट टू बी ट्रांसफरेबल टू द पैडलर। जो सेशंस रहेंगे उसमें क्या है, परसेंटेज क्या होना चाहिए, जो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट है उसके अकॉर्डिंगली हम परसेंटेज निकाल के ही उसके पैडलर को उसका सेशंस जो है वो सेट किया जाएगा। नीचे नोट दिया गया है, रिमेंबर दीज और सजेशंस एंड मे नॉट सूट एवरी स्टाइल ऑफ पैडलिंग और ओवर स्पेसिफिक गोल्स, कि सभी जो सजेशंस हैं वो जो ऊपर दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीके से अपने पैडलिंग स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली जो आपको खिलाड़ी को जरूरत है, हम उसी को ही उसी तरीके से प्रोग्राम को सेट करके खिलाड़ी के ऊपर अप्लाई करेंगे। वार्म अप एंड कूल डाउन बिफोर आर्गो सेशंस, ये पहले बात कर लिया है। ए प्री वार्म अप कैन बी अंडरटेकन प्रियर टू द गेटिंग ऑन टू द आर्गोमीटर विद द गोल टू जेंटली रेज द हार्ट रेट रेडी फॉर एक्टिविटी। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू द जेंटल जॉगिंग, perhaps some interactive ball games or skipping। आर्गोमीटर जाने से पहले, करने से पहले हम अपने आप को थोड़ा वार्म अप करेंगे, हमारे हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, रेस करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उससे क्या है हम जॉगिंग करेंगे या स्कीपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिवेट करके, अपने मसल्स को एक्टिवेट करके, देन वी विल गो फॉर द आर्गोमीटर सेशंस। तो प्री वार्म अप शुड बी कैरिड आउट अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स फॉलोड बाय सम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और हम आर्गोमीटर के लिए जाएंगे। टू बिगेन द आर्गोमीटर सेशंस टेक 10 to 15 मिनट्स पर ईयर। तो हमको पहले भी पढ़ा है हमने अभी पिछली स्लाइड में, 10 से 15 मिनट जो हमारा है वो आर्गोमीटर वार्म अप सेशंस है, हम उसमें करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मोर इंटेंस द ट्रेनिंग और इवेंट एक्टिविटी द लॉन्गर द टाइम दैट शुड बी टेकन फॉर वार्म अप। बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्टिविटी को करने से पहले अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाएं और वार्म अप के थ्रू ही जाएं, ताकि हमारे बॉडी का जो रिकवरी है या उसका मसल है उसमें कोई इंजरी ना आए, क्योंकि ये हमने एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर इसको कंटिन्यूसली वर्क करना है, तो हम एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करेंगे तो मसल के ऊपर ज्यादा लोड आएगा, जिसके कारण इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी हैव टू गो फॉर ए आर्गुमेंटेड ट्रेनिंग, हमको वार्म अप करना जरूरी है। स्टे कूल एंड हाइड्रेट वाइल पैडलिंग ऑन आर्गोमीटर, कूल डाउन करना भी बहुत, जितना वार्म अप करना जरूरी है उतना ही हमको पैडलिंग करते वक्त हाइड्रेट रहना और कूल रहना भी जरूरी है। पैडलिंग करते वक्त जब हम पैडलिंग कर रहे हैं तो हमको कूल भी रहना है और हाइड्रेटेड रहना है। आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन और रेस इज डन देन कूल डाउन शुड बी टेक, जैसे ही ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है हमको कूल डाउन करना है और
अच्छे से कूल डाउन करना है, अपने मसल को अच्छे से रिलैक्स करना है. दिस कैन बी कैरिड आउट बाय लाइट पैडलिंग टू स्लोली ब्रिंग द हार्ट रेट बैक टू मोर नॉर्मल पल्स. धीरे धीरे पैडलिंग को हमने एकदम से बंद नहीं करना, पहले भी बताया है, पैडलिंग को एकदम से रोकना नहीं है, स्टॉप डाउन नहीं करना, स्लोली स्लोली हमने पैडलिंग करते रहना है, लाइट पैडलिंग, जब तक हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल पल्स के ऊपर रेट के ऊपर नहीं आता तब तक हम उसको इजीली पैडलिंग करते रहेंगे. एज यू आर पैडलिंग इंडोर्स, अगर आप इंडोर स्टेडियम के अंदर किसी कमरे के अंदर किसी रूम के अंदर पैडलिंग कर रहे हैं, एर्गोमीटर यूज कर रहे हैं, यू डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ द कूल एयर पासिंग यू और द स्प्रे स्प्लैश ऑफ वाटर फ्रॉम द पैडलर नेक्स्ट टू यू. जैसे पानी में हम पैडलिंग करते हैं तो हमें पानी के छींटे पड़ते हैं हमारे ऊपर, तो हम हाइट कूल रहते हैं, हमारे ऊपर पानी के छींटे पड़ते रहते हैं, हम गीले होते रहते हैं, तो हम एक तरह का हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है वो मेंटेन बना रहता है. बट एज पर कंपेरिजन अगर हम एक किसी कमरे के अंदर रूम के अंदर इंडोर के अंदर वो कर रहे हैं तो वहां पे हमें कोई हवा पास नहीं हो रहा, कोई पानी हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा, पानी का छींटा नहीं पड़ रहा, तो उसका उसकी वजह से क्या होगा, सो इट गेट्स वेरी हॉट एंड वेरी स्वेटी वेरी क्विकली. बहुत जल्दी हम गर्म हो जाएंगे, स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाएगा, पसीना बहुत जल्दी आ जाएगा. इफ पॉसिबल ट्राई टू सेट अप ए फैन इन द रूम ड्यूरिंग द सेशन, कोई फैन लगा लीजिए, जैसे हमारा एर्गोनॉमिक सेशन चल रहा है उस रूम के अंदर फैन होना चाहिए, फैन को हम ऑन करके अपना सेशन चला सकते हैं. हैविंग ए बॉटल ऑफ वाटर हैंडी एंड टॉवल टू वाइप अवे फ्रॉम स्वेट टू हैंडी टू. तो इसमें क्या है, हमें जो हमारा हाथ है स्वेटिंग है, हम टॉवल हमारे पास होना चाहिए, पानी हमारे पास होना चाहिए. टू ड्रिंक वाटर टू रिमेन हाइड्रेट. यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू सेटअप ए कूलिंग फैन टू मेक यूर वर्कआउट सेशन मोर कम्फर्टेबल. तो हम पानी पीते रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, अगर हमने चार सेट करने हैं तो एक सेट करके पानी पियेंगे, अपने आप को कूल डाउन करेंगे टॉवल से, अपने आप को हमारा स्वेटिंग जो है पसीना पहुंचेंगे, देन अगले सेशन सेट के लिए जाएंगे. तो डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ हम कैसे करेंगे, सेशन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग एवर सो लाइट स्लाइटली द एफर्ट शॉर्टन एज द इंटेंसिटी इंक्रीज. जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ते हुए थोड़े प्रयास कम होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो अपना पावर रहेगा वो कम होता जाएगा. दिस कैन बी अचीव्ड बाय मेंटेनिंग अ सेट स्ट्रोक रेट स्पीड और इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑन योर एर्गोमीटर. उससे क्या रहेगा वो हमारा एर्गोमीटर जो है वो इसी स्ट्रोक रेट पे चलने, इसको बनाए रखने के लिए हमको अपने एर्गोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा के प्राप्त कर सकते हैं. अगर हमको कम करना तो हम कम भी कर सकते हैं. 0.25 किलोमीटर पर प्रति स्पीड है वो अच्छी स्पीड है. आफ्टर ईच एफर्ट्स गिव यूर सेल्फ ए 1 मिनट रेस्ट जस्ट स्पिनिंग एट एन इजी स्ट्रोक रेट. कहता है प्रत्येक प्रयास के बाद अपने आप को 1 मिनट का आराम दें, बस एक आसान स्ट्रोक दर पर घूमते रहें. तो उसको बिल्कुल हम स्टॉप डाउन नहीं करेंगे, एक छोटे से मूवमेंट के ऊपर हम उसको जो हमारा अपना शाफ्ट होगा उसको हम घुमाते रहेंगे, उसको एकदम से हम रोकेंगे नहीं. डोंट ओवरलोड योर सेल्फ टू क्विकली टू मेक ए फाइनल हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स. अंतिम उच्च तीव्रता के प्रयास करने के लिए अपने आप पर वर्कलोड का बोझ बहुत जल्दी ना बढ़ाएं. तो जैसे हम लास्ट में पहुंचते हैं तो एकदम से हमको लोड नहीं बढ़ाना है. तो आप फोटो में देख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 72, 100%. तो धीरे 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 हम उसको जैसे बढ़ाएंगे, लास्ट में 1 मिनट मारते मारते हम 100% में मारेंगे. 70 से स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए जब लास्ट तक पहुंचेंगे मैक्सिमम तो हमारी हार्ट रेट पहुंचेगी वो लास्ट बन जाएंगे, तो हम 1 मिनट रेस्ट बिटवीन ईच एफर्ट. तो हमारा एक एफर्ट्स के बाद एक हमारा 1 मिनट का रेस्ट रहेगा, दोबारा से हम फिर उसको मार सकते हैं. टोटल टाइम 1 आवर 5 मिनट सीखा हुआ है. दिस इज द एग्जांपल, आपने यही नहीं करना, ये एग्जांपल है, इस तरह से हम कर सकते हैं. देन टेम्पो ट्रेनिंग क्या है, टेम्पो ट्रेनिंग एर्गोमीटर ट्रेनिंग सेशन में क्या है. टेम्पो ट्रेनिंग लाइक दिस विल बी गुड मेजर ऑफ योर कंसिस्टेंसी. इस तरह का टेम्पो प्रशिक्षण आपकी निरंतरता का एक अच्छा उपाय होगा. उसमें क्या है कि हम टेम्पो ट्रेनिंग एक फर्स्ट किलोमीटर 70%, सेकंड किलोमीटर 80%, थर्ड किलोमीटर 90%, फोर्थ किलोमीटर 80%. इस तरह से अप्रोक्सीमेटली हम जो 4 सेट कर सकते हैं. इफ यू रिपीट दिस सेट यू कैन मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ द टाइम फॉर ईच किलोमीटर डन एट ईच लेवल 70, 80, 90 एफर्ट. जो भी हमने जितना भी लगा रहे हैं उसके पर सेट के हिसाब से हम उसका टाइम मेयर करेंगे, कितना टाइम हमारा इस सेट में आया, 70% पे कितना आया, 80% पे हमने मारा तो कितना टाइम लिया, 90% मारा तो कितना टाइम लिया, हम उसको मेजर कर सकते हैं. इफ दे आर ऑल द सेम स्पीड यू आर डूइंग वेल टू मेजर योर सेल्फ विद फटीग. यदि वे सभी समान गति है तो आप अपने आप को थकान से मापने के लिए अच्छा कर रहे हैं. तो अगर वो एक ही स्पीड पे हम कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू फटीग के ऊपर जा रहे हैं, धीरे 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 हम अपनी थकान को उसमें मेजर कर सकते हैं कि हमें कितना थकान हो रहा है.
अगर वो एक ही स्पीड के ऊपर चल रहा है तो, अगर हमने 70% पे कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा हम तीन सेट के बाद कितना टायर्ड हो गए, हमारा टाइम कितना कम हुआ, कितना हमारा टाइम बढ़ा, तो वो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे अंदर फटीग कितना आया। स्पीड स्टेप एफर्ट्स दिस स्टेप्स इंटरवल सेशंस इज नॉट फॉर द फेथ हार्टेड, मतलब जो कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए ये नहीं है। ईच ओन एफर्ट्स एट 90% मैक्सिमम हार्टेड और ग्रेटर देन विद द ऑफ बीइंग स्टडी कॉन्स्टेंटली स्पीड 70% ऑफ मैक्सिमम। इसमें स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है या 90% मैक्सिमम रहती है, तो हम ये सेशन जो है वो इसी ये मेथड जो है उसी के लिए बना हुआ है। Enjoy the study time while it's rest. The fitter pedalers will shine through as the study time reduces at the time when the harder efforts increase. तो इसमें क्या है, जो हम इस जो हमारे फिट पेडलर्स हैं वही इस सेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें लिखा 5 meter then 0 minute 90% maximum heart rate 70% से लेके जाएंगे, जैसे बढ़ाएंगे टोटल टाइम हमारा 55 minute रहेगा। 4 minute 30 second then 30 second 90% 4 minute 70% then 1 minute 90% 30 minute 3 मिनट 30 सेकंड देन 1 मिनट 30 सेकंड 90%। तो इस तरह से हम इसको लेके अपना जो स्टेप एफर्ट्स है वो कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारा एथलीट जो है वो बिल्कुल फिट चाहिए, फिजिकली फिजियोलॉजिकली मेंटली वो प्रिपेयर चाहिए, तभी इस सेशन को वो कर सकता है। फार्टलिक वीओ2 ट्रेनिंग सेशन, फार्टलिक वीओ2 ट्रेनिंग सेशन कैसे है, दिस सेशन वॉज ओरिजिनली इज रनिंग सेशन डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रेलियन मैराथन रनर स्टीव मोनाकेथी टू इंक्रीज हिज पेस फॉर 5 किलोमीटर रेसिस। तो ये 5 किलोमीटर रेसिस जो ऑस्ट्रेलियन पैडलर था उनके द्वारा ये निकाला गया, डेवलप किया गया, जो 5 किलोमीटर की रेसिस के लिए उन्होंने ये मेथड जो है वो डेवलप किया। इट इज द परफेक्ट फॉर इंक्रीजिंग स्पीड ऑन द वाटर टू एंड परफेक्ट इफ यू ओनली हैव ए शॉर्ट टाइम टू ट्रेन। तो ये एक अच्छा इंक्रीजिंग मेथड है पानी के ऊपर, अगर हम इसको करेंगे परफेक्ट टेक्निक के साथ तो हम अपना टाइमिंग को कम कर सकते हैं। दीज आर 100% मैक्सिमम हार्ट रेट एफर्ट्स फॉलोड बाय स्टडी रिकवरी पेस एंड और ग्रेट टू बिल्ड स्पीड एंड यूवर थ्रेशोल्ड। जो थ्रेशोल्ड पार्ट आता है एक जोन से दूसरे जोन में जब कन्वर्ट करते हैं 70% या 80% से हम 90% में कन्वर्ट करेंगे, जो उसका बीच का उसका एक जो जोन आएगा उसको हम थ्रेशोल्ड जोन बोलते हैं। उसमें हम हमारा जो बिल्डअप स्पीड अच्छा होना चाहिए। दोज हु आर फिटर विल हैव ए हायर स्टडी रिकवरी पेस एंड गोल should be to increase and pace of the offs over time. Give yourself at least 5 minutes of recovery between each set if you want to be do more than one set. आपको हर सेट में 5 मिनट का रिकवरी देना पड़ेगा अगर आप एक से ज्यादा सेट कर रहे हैं तो। तो इधर हमने तस्वीर में बता दिया टोटल टाइम 20 मिनट पर सेट, 90 सेकंड 90 सेकंड ऑन एंड 90 सेकंड ऑन एट 100% मैक्सिमम हार्ट रेट, 90 सेकंड ऑफ एट 60% इनटू 2, 60 सेकंड ऑन 100% हार्ट रेट, 60 सेकंड ऑफ एट 60% इनटू 4, 60 सेकंड ऑन द एट 100% हार्ट रेट देन 30 सेकंड एट द 60% ऑफ 4। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली दिस इज द फार्टलिक वीओ2 ट्रेनिंग सेशन हम कर सकते हैं। आगे हमारा क्या है, कंक्लूजन है। सम पैडलर्स ओनली यूज अर्गो व्हेन दे आर एब्सोल्युटली हैव टू सच ए विंटर और ए क्वारंटाइन, कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने इसको यूज किया, इस्तेमाल किया कुछ पैडलर्स ने, वाइल अदर्स यूज देम ऑल ईयर राउंड एज पार्ट ऑफ देयर रेगुलर सेशंस। बाकी सब जो बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपने रेगुलर सेशंस में भी यूज करते हैं। कुछ पैडलर्स अर्गो उपयोग केवल तभी करते हैं जब उन्हें सर्दी या कोविड में जरूरत पड़ता है, बट जो कई हैं वो नियमित कार्यक्रम के रूप के हिस्से में अपने इसको अपने पूरे वर्ष इसको अपने प्रोग्राम में डाल के इसको इस्तेमाल करते हैं। द रीजंस मैनी डिसलाइक द पैडल अर्गोमीटर इज दैट द सेशंस आर हार्ड। आर्गोमीटर को नापसंद करने के कारण क्या है, इसके जो सत्र हैं सेशंस हैं वो कठिन रहते हैं एज पर कंपैरिजन टू वाटर ट्रेनिंग। कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑन द शाफ्ट, देयर इज ऑफन नो रेस्पेक्ट, शाफ्ट पर लगातार जो रेजिस्टेंस है वो बना रहता है, हमको राहत नहीं मिलता, हमको उसमें रिलैक्सेशन कम मिलता है, इसीलिए उसमें एक हार्डनेस बना रहता है। यूजिंग आर्गोमीटर हैज ए बिग इम्पैक्ट ऑन यूर पैडलिंग लीडिंग टू लार्ज फिटनेस improvements and easy access to specific paddling training inside your home. Ergometer का उपयोग करने से हम अपने paddling पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे बड़े fitness सुधार होते हैं और हमने अपने आप को एक जो है fit paddler specific training जो है हम प्रशिक्षण जो अपने घर पे आसानी से दे सकते हैं। So this is the our today session. अभी हमारे पास 1 minute है, अगर आपको
कुछ और जानना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेट के ऊपर आप जाएंगे तो नेट के ऊपर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा आर्गोमीटर के बारे में। अभी हमारा वर्चुअल वर्ल्ड कप चल रहा है, जयंतो सर ने ऑलरेडी शेयर किया था कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड कप होगा, उसमें डिवाइस लगेगा तो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से जो अवेलेबल है कैक प्रो के द्वारा। टू कॉन्टेक्ट टू जयंतो सर जो आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करवाइए अपने बच्चों को। बहुत अच्छी चीज है जो हमारा आर्गोमीटर ट्रेनिंग है, हम अपने खिलाड़ियों को सिर्फ टेक्निक के लिए नहीं, फिटनेस के लिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रेगुलर वीकली प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड करके अपने खिलाड़ी को और बेहतर बना सकते हैं।